हेलो दोस्तों, वीन आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यह लेक्चर 2 है जिसमें हम भील जनजाति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है, जिसके बारे में मध्य प्रदेश की सभी एग्जाम में अनेक क्वेश्चन आए हैं। खासकर एमपीपीएससी प्री और मेंस की अगर बात करें तो भील जनजाति के बारे में यहाँ से कई क्वेश्चन आए हैं। अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में हम गोंड जनजाति, कोरकू जनजाति, सहरिया जनजाति जैसी अनेक महत्वपूर्ण जनजातियों को कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर की खास बात यह है कि इससे बाहर किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में सारे टॉपिक से आपके कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति के बारे में आप यह तो जानते ही होंगे कि भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में निवास करती है। पश्चिमी भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? पश्चिमी भाग में धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन, खंडवा, देवास आदि जिले आते हैं। यहाँ पर भील और उनकी उपजातियां निवास करती है। ठीक है दोस्तों, केवल इसी भाग में निवास करती है मध्य प्रदेश में भील जनजाति खासकर। बाकी अन्य राज्यों में भी भील जनजाति निवास करती है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र के आसपास के जो मध्य प्रदेश से लगे हुए जिले हैं, इनमें भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति के पहनावे की अगर बात करें तो ये किसी उत्सव के समय एक जैसा ड्रेस कोड पहनना पसंद करते हैं। साथ ही इन्हें चांदी की ज्वेलरी पहनना काफी पसंद है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ इन्हें सजना संवरना, जो कि लगभग सभी जनजातियों में प्रचलित होता है, टेटू बनवाना, गोदना बोलते हैं जिसे, वो भी इनमें काफी प्रचलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति को भारत का बहादुर धनुष पुरुष कहा जाता है। ये आप ये लाइन को या एक टैग लाइन की तरह इसे आप यूज याद करेंगे, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में भील जनजाति के लिए पूछा जा सकता है। ये सभी विशेषताएं आप अच्छे से ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि इनके बारे में प्री और मेंस जैसी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने भील जनजाति को वन पुत्र कहा था। यह भी फैक्ट्स के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। भील शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करें हम लोग, तो भील शब्द की उत्पत्ति बिल से हुई है। बिल जिसका अर्थ होता है कमान, कमान तीर कमान वाला। ठीक है दोस्तों, यहीं से आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि ये भील लोग जो है ये एकलव्य को अपना प्रेरणा पुरुष मानते हैं। ठीक है, और एकलव्य की तरह ये बिना अंगूठे का प्रयोग करे तीर को छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, जब गुरु द्रोण ने इनसे गुरु दक्षिणा में जब एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था, तो एकलव्य ने दे दिया था। और इन लोगों ने भी क्योंकि ये उनको प्रेरणा पुरुष मानते हैं, इसलिए ये भी बिना अंगूठा का प्रयोग करे तीर को छोड़ते हैं। ठीक है, साथ ही गुरु द्रोण को और अर्जुन को ये लोग कम पसंद करते हैं, क्योंकि इनके प्रेरणा पुरुष के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया था, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, भील मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, खंडवा, खरगोन आदि जिलों में पाए जाते हैं। भील जनजाति अगर सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या अगर किसी जिले में रहती है तो अलीराजपुर में 89%, जबकि पॉपुलेशन जनसंख्या की बात करें तो वो धार में ज्यादा है। ठीक है, वो सबसे कम कहाँ पर निवास करते हैं? तो भिंड जिला है, दोनों ही प्रतिशत और पॉपुलेशन दोनों में। ठीक है, भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो लगभग 60 लाख है, 1.5 करोड़ में से टोटल मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ लोग अनुसूचित जनजाति के, उसमें 60 लाख लोग भील लोग हैं। ठीक है, ये भील जनजाति के लोग हैं। कुल जनजाति का अगर देखे तो ये प्रतिशत के रूप में 40% है दोस्तों। ठीक है, भील जनजाति की उपजातियों की बात करें तो विशेष उपजातियां भिलाला, पटेलिया, बरेला, बेगास, रथियास आदि इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। जबकि तड़वी भील वे लोग हैं जो औरंगजेब के समय मुस्लिम धर्म में, भील से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनके प्रमुख देवताओं की अगर बात की जाए तो इनकी प्रमुख देवता है, सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता इनके राजपंथा है। ठीक है, और अन्य देवता की अगर बात करें तो इंद्रदेव, बड़ादेव, महादेव, तेजाजी, काजल देव आदि इनके प्रमुख देवता है। चलिए आइए इनके नृत्य को देखते हैं। इनके नृत्य में लाठी नृत्य बहुत फेमस है, गौरी गेर, घुमरा, ढोल नृत्य, विवाह नृत्य, होली नृत्य,
युद्ध नृत्य, भगोरिया नृत्य, दीपावली नृत्य, शिकार नृत्य, तो ये सब नृत्य जो है इनमें काफी प्रचलित है। सभी उत्सवों पर इनमें से ये लोग इन्हीं नृत्य पर ये नृत्य करना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 मार्क्स में एमपीपीएससी में आ भी सकता है कि नृत्य के बारे में लिखिए, तो इन्हें आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, भगोरिया उत्सव इनका बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है जो होली के समय सेलिब्रेट करते हैं। होली के दिन से लगाकर 7 दिन पहले ये शुरू होता है और इस उत्सव में युवक और युवतियां विशेष रूप से भाग लेते हैं और इसी उत्सव में वो मनपसंद विवाह का भी कार्य संपन्न होता है भगोरिया उत्सव, इसलिए यह उत्सव इन लोगों में काफी प्रचलित भी है। ठीक है, इसी उत्सव में एक विशेष खेल बोल सकते हैं गोल गधेड़ो भी काफी प्रचलित है, जिसमें युवतियां किसी खंभे या पेड़ के चारों ओर एकत्रित हो जाती है घेरा बनाकर और युवक को प्रवेश करने से रोकती है। काफी इंटरेस्टिंग एक मनोरंजन का साधन होता है उस दौरान। यह भील जनजाति ताड़ी पीना बेहद पसंद करते हैं। ताड़ी ताड़ के वृक्ष से बनता है और एक एल्कोहलिक पदार्थ होता है जो इनमें काफी प्रचलित होता है, सफेद कलर का होता है। ठीक है, और ये साल भर मक्का खाना एक या दोनों टाइम अपने भोजन में अवश्य सम्मिलित करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। भील जनजाति जो है रहने के स्थान को फालिया कहा जाता है, पर यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी, फालिया बड़े गांवों को कहते हैं जबकि भील लोगों के जो छोटे गांव होते हैं उनको पाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनके घर को इंडिविजुअली क्या कहते हैं, कु कहा जाता है। भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को चीमाता कहते हैं। चीमाता उस कृषि पद्धति को कहते हैं जहां पर ढलान वाला क्षेत्र है और ये लोग जब खेती करते हैं तो उसे चीमाता कहते हैं। जबकि एक और पद्धति इनमें कृषि की प्रचलित है जिसे दाचिया कहते हैं, उसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, वो मैदानी क्षेत्र में की जाती है। पिथोरा भित्ति चित्र इनमें काफी प्रचलित है, ये किसी उत्सव या घर पर किसी शादी जैसे समारोह पर ये पिथोरा भित्ति चित्र बनाने का प्रयोग करते हैं, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इस चित्रकला में ये विशेष रूप से घोड़ों के अनेक चित्र बनाते हैं घर की दीवारों के बाहर, इसे भित पर बनाया जाता है, भित मीन्स दीवार, इसलिए इसे भित्ति चित्र कहा जाता है। कुछ इतिहासकार ने भीलों को द्रविड़ से पहले का भारतीय निवासी माना है, तो कुछ ने भीलों को द्रविड़ ही माना है, तो ये आप ध्यान देंगे कि जो भील है वो द्रविड़ प्रजाति या परिवार के लोग हैं। भीलों के घर को टापरा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको एक ध्यान रखना चाहिए। दाजिया, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, दाजिया आदिवासी द्वारा मैदानी भागों को जलाकर जो कृषि की जाती है उसे झूमटी कहते हैं। ठीक है, बाबर और अकबर के समय इन्होंने विशेष रूप से महाराणा प्रताप का जो परिवार था उनमें विशेष रूप से ये भील सैनिक ही हुआ करते थे, इसलिए राणा प्रताप की सेना में तो खासकर राणा पुंजा भील के बारे में भी आपने सुना होगा, विशेष मुख्य सेनापति भी थे वो भील जनजाति के थे। तो युद्ध के बाबर और अकबर के खिलाफ युद्ध में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भील लोकगीत की बात करें तो सुवंटिया स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है, जबकि हम सीडो भील स्त्री और पुरुष युगल रूप से गाते हैं। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये लोकगीतों के बारे में प्री या मेंस एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क्स में। भील जनजाति संगोत्र विवाह वर्जित है, लेकिन विधवा विवाह इनमें प्रचलित है। नात्रा विवाह जो सेकंड मैरिज सिस्टम में, अपहरण विवाह ये एक जबरदस्ती वाला विवाह है, घर जमाई जिसे गोंड जनजाति में लम सेना के नाम से भी जाना जाता है, ये विवाह की पद्धतियां यहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, एग्जाम के कुछ संभावित प्रश्न की अगर बात करें तो इस भील जनजाति से अनेक क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो चलिए आप ये सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के बारे में मैं आगे बात कर चुका हूँ, तो आप निश्चित तौर से ये आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं सॉल्व कर पा रहे तो वीडियो लेक्चर को अगेन देखिए और इनको लिखने की कोशिश करिए। लिखने के बाद आप हमें इसे टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट बॉक्स में आंसर्स भी शॉर्ट में दे सकते हैं, जिन्हें हम चेक करके आपको सजेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो लेक्चर आशा करता हूँ आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा और आगे की जनजातियों के बारे में जानने के लिए आप अगले लेक्चर्स में जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सिलेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो VNIS की तो ठीक है, वीडियो को अंत करते हैं या एंड करते हैं वीडियो का।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो लेक्चर में गौंड जनजाति पढ़ेंगे, ठीक है।